सन 1899 की जनवरी की एक धुंधली सुबह गवर्नमेंट हाउस कलकत्ता के ये चौड़े गलियारे चहल पहल से भरे थे। ब्रिटिश राज के इस यौवन काल में एक वाइसरॉय जाने वाला था और दूसरा आ रहा था। नया वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन घमंडी था। इसकी वजह थी उसका बेइंतहा आत्मविश्वास और दूसरों के लिए उसकी नफरत। उस पर लिखी गई एक तंजिया कविता की शुरुआत कुछ यूं थी, जॉर्ज नथानियल कर्जन है मेरा नाम, बस मैं ही खास हूं, बाकी सब आम। 39 साल का यह इंसान सबसे कम उम्र का वाइसरॉय था। हिंदुस्तान आने के कुछ अरसे बाद ही कर्जन हिंदुस्तानियों और अंग्रेजों के एक डेलीगेशन से मिला। ये लोग उससे एक अनोखी योजना की मंजूरी चाहते थे, एडवांस साइंटिफिक रिसर्च की एक यूनिवर्सिटी। और ये सुनहरा सपना 60 साल के एक पारसी उद्योगपति की आंखों में जन्मा था, जमशेद जी नसरवान जी टाटा। जमशेद जी का मानना था कि देश की उन्नति के लिए इस तरह का संस्थान जरूरी था। इसके लिए उन्होंने अपनी आधी संपत्ति देने की पेशकश की, वो रकम जो आज के हिसाब से 2 करोड़ पाउंड से भी ज्यादा होती। पर कर्जन को मनाना आसान न था। ब्रिटिश ताकत पूरे जोरों पर थी और आने वाला हर वाइसरॉय मदद मांगती दरख्वास्तों को सुनता, गौर करता और ज्यादातर उन्हें नामंजूर ही कर देता। इस यूनिवर्सिटी में दाखिले लायक लोग कहां से आएंगे और यहां से निकलने के बाद वो करेंगे क्या? जेंटलमैन, मुझे आपकी ये योजना बहुत ही बेमतलब और बिल्कुल नामुमकिन लगती है। कर्जन को एक हिंदुस्तानी द्वारा बनाई और उसके पैसों से चलाई जाने वाली ये योजना एक हिमाकत लगी होगी, पर जमशेद जी और कर्जन में एक बात समान थी, रानी विक्टोरिया का युग, धीमी मगर मकसद भरी तरक्की का युग। अपने अपने कारणों से दोनों ही अंग्रेजों की मदद से हिंदुस्तान को आगे ले जाना चाहते थे, लेकिन कैसे और किस तरह? वक्त के साथ पूर्व और पश्चिम मिल भी जाते, मगर अभी फासला बहुत बाकी था।
कई पारसी परिवारों की तरह टाटा परिवार के पूर्वज भी गुजरात के एक छोटे शहर नवसारी में बस गए थे। परिवार के मुख्य नसरवान जी टाटा एक धार्मिक और विचारवान आदमी थे। 1839 में सिर्फ 17 साल की उम्र में ही वो अपना उत्तराधिकारी पा चुके थे। जमशेद जी को अपने पिता की तरह बचपन में ही ज़ोरास्ट्रियन धर्म की शिक्षा दी गई। बाद में पिता की ही तरह उन्हें ज़ोरास्ट्रियन पादरी की दीक्षा भी दिलवाई गई। उम्र भर अपने पूर्वजों के सिद्धांत और उसूल जमशेद जी के खून में दौड़ते रहे। कई साल बाद उन्होंने अपने परिवार का सिद्धांत बनाया, अच्छे विचार, अच्छे शब्द, अच्छे कर्म, हुमता हुक्ता हुवरश्ता। नसरवान जी नवसारी से बंबई आ गए। कुछ सालों में यहां पैर जमाने के बाद उन्होंने अपने बेटे को भी बुलवा लिया। जमशेद जी सिर्फ 13 साल की उम्र में इस चहल पहल भरे शहर में आए, जिसे आने वाले समय में उन्होंने एक बेमिसाल शहर बनाने में योगदान दिया। जिस कॉलेज में वो दाखिल हुए वो आज एल्फिंस्टन कॉलेज कहलाता है। रानी विक्टोरिया के राज के शुरुआती दौर में लॉर्ड मैकॉले जैसे सुधारवादियों ने ऐलान किया था कि भारतीय जितने ज्यादा अंग्रेज बन जाएं उतना ही बेहतर होगा। कहा जा सकता है कि जमशेद जी मैकॉले के सपनों की जिंदा मिसाल थे। उन्होंने कई विषयों को पढ़ने का आनंद उठाया, जिनमें उनके पसंदीदा थे क्लासिकल इंग्लिश लिटरेचर और बॉटनी। पर उन्होंने अपने देश को बदलते देखा, अंग्रेजों को 1857 के इंकलाब को बेरहमी से कुचलते हुए देखा और अगले ही साल बॉम्बे टाउन हॉल की इन सीढ़ियों पर एक विशाल ऐतिहासिक समारोह में उन्होंने हिंदुस्तान को ब्रिटिश राज में ढलते हुए देखा। इस दौरान हीराबाई नाम की खूबसूरत लड़की से उनका विवाह हुआ और साल भर में ही एक पुत्र पैदा हुआ, दोराब। जमशेद जी को इन बदलते हालात पर सोचने समझने का ज्यादा वक्त नहीं मिला और उन्हें कपास, रेशम और चाय के व्यापार के लिए हांगकांग और शंघाई भेज दिया गया। ।1864 में बंबई के कॉटन बाजार में तेजी आई और कॉटन के दाम आसमान छूने लगे। इसकी वजह थी अमेरिका की अंदरूनी जंग, जिसके कारण अमेरिकी कॉटन को इंग्लैंड लाने वाले जहाजों का आना बंद हो गया था। इंग्लैंड की सूती मिलों के पेट भूख से बिलबिलाने लगे थे और आखिर उन्हें और उनके कर्मचारियों को जिंदा रखने के लिए हिंदुस्तानी कॉटन की जरूरत पड़ी। जमशेद जी रवाना हुए इंग्लैंड कॉटन एजेंसी शुरू करने। उनके पास कॉटन मार्केट से वसूली के बेहिसाब बिल्स ऑफ एक्सचेंज और सिक्योरिटीज थीं। लेकिन अभी वो सफर में ही थे कि अमरीकी जंग खत्म हो गई। मैनचेस्टर की भूखी मिलों ने फिर से अमरीकी कॉटन से पेट भरना शुरू कर दिया। व्यापार में आए इस बेरहम बदलाव की वजह से भारतीय कॉटन बाजार बर्बाद हो गया। जमशेद जी जब इंग्लैंड के साहिल पर पहुंचे वो इन तब्दीलियों से अनजान थे। जमशेद जी जल्द ही समझ गए कि कॉटन मार्केट के इस तूफान में उनके लाए बिल्स ऑफ एक्सचेंज अब बिल्कुल बेकार थे, वो कंगाल हो चुके थे। जमशेद जी यहां आ गए लंदन की फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में, जहां बैंक ऑफ इंग्लैंड और रॉयल एक्सचेंज स्थित हैं। कई बार वो यहां के बैंकर्स और लॉयर से मिले। ये ढीठ चालाक अंग्रेज जमशेद जी की साफ दिली और ईमानदारी से इतने खुश हुए
कि उन्हें उनका ही लिक्विडेटर बना दिया। और कमाल ये भी कि अंग्रेजों ने उन्हें हर महीने 20 पाउंड भी दिए, जब तक कि जमशेद जी ने अपना कर्ज उतारा, वो भी पूरा। लंदन में कई ज़ोरास्ट्रियन रहते थे। दो लोगों ने जमशेद जी का भविष्य संवारने में मदद की, दादाभाई नावरोजी और फिरोजशाह मेहता। वो राष्ट्रवादी थे, लेकिन ब्रिटिश राजनीति का हिस्सा बनकर हिंदुस्तान के प्रति अंग्रेजों का नजरिया बदलना चाहते थे। वो विग्स थे, लिबरल पार्टी के सदस्य। उनके नेता थे विलियम ग्लैडस्टन, चार बार इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, जो गरीबों के रक्षक कहलाते थे। जमशेद जी के मन में ग्लैडस्टन की बहुत इज्जत थी, हालांकि उनसे मिले सिर्फ एक बार, और वो भी इत्तेफाक से। दुनिया भर पर जीत और औद्योगिक क्रांति ने बर्तानिया के छोटे छोटे द्वीपों को एक बड़ी ताकत बना दिया। समंदरी जहाजों और रेल ने दुनिया भर में फैले ब्रिटिश राज के लाल टुकड़ों को करीब कर दिया। जमशेद जी मैनचेस्टर गए, लंकाशायर में कॉटन का सबसे बड़ा शहर। वो वहां की मिलों की कुशलता और नई मशीनों की काबिलियत देखकर बहुत प्रभावित हुए, लेकिन मजदूरों की हालत जमशेद जी को नरक के किसी भयानक दृश्य की याद दिला रही थी। उन्होंने इंग्लैंड का यह अंधेरा रूप देखा, जहां उत्तर की बर्फीली सर्दियों में भी परिवारों की दिन रात की कमर तोड़ मेहनत नहीं रुकती थी। गरजती मशीनों के नीचे रुई के टुकड़े जमा करते बच्चे, एक पेनी प्रतिदिन। इंग्लैंड में गरीब होना दहशतनाक था। 4 साल बाद जमशेद जी वतन लौटे, इस यकीन के साथ कि हिंदुस्तान की तरक्की के लिए औद्योगिक क्रांति का आना जरूरी था। वो यहां एक मिल लगाना चाहते थे, एक आधुनिक मिल, मैनचेस्टर की तरह गैर इंसानी नहीं, बल्कि ऐसी जहां इंसान इंसानों की तरह काम कर सके। हिंदुस्तान को रानी विक्टोरिया के ताज का हीरा कहा जाता था। सन 1877 में इस ताज ने एक नया खिताब हासिल किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रानी का रुतबा बढ़ाने की पेशकश की, वो हिंदुस्तान की महारानी बन गई। इसी साल दक्षिण भारत में भयानक सूखा पड़ा। दहकते सूरज ने नदियां सुखा दी और फसलें झुलसा दी। सूखे से जन्मा हैजा बेकाबू हो गया। जब तक इस महामारी का अंत हुआ, 50 लाख लोग मर चुके थे। लेकिन मौत की इन खबरों का दिल्ली के शाही दरबार पर कोई असर न हुआ, जहां रानी विक्टोरिया को मलिकाए हिंद बना दिया गया, वो भी उनकी गैरहाजिरी में। जिस दिन ये ऐलान हो रहा था, उसी दिन मध्य भारत में स्थित भारतीय कॉटन के गढ़ नागपुर में जमशेद जी ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण मिल का उद्घाटन किया। और नाम भी बड़ा मुनासिब रखा, एम्प्रेस मिल्स। ये विशाल इमारतें आज खोखली हैं, लेकिन कभी जमशेद जी की सफलता का अहम हिस्सा हुआ करती थी। मैनचेस्टर में मजदूरों की बर्बाद हालत ने जमशेद जी को अपने कर्मचारियों की बेहतरी पर आमादा किया। उन्होंने कर्मचारियों को वो सुविधाएं दी जो दुनिया में कहीं नहीं थी। फैक्ट्री के फर्श पर वेंटिलेशन और ह्यूमिडिफायर, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, पेंशन स्कीम, प्रोविडेंट फंड, फ्री डिस्पेंसरीज, मटर्निटी बेनिफिट्स और महिला कर्मचारियों के लिए क्रेश भी। एम्प्रेस मिल्स बड़ी शान और शौकत से गरजने गूंजने लगी और जमशेद जी के औद्योगिक भविष्य के सपनों की एक जिंदा मिसाल बन गई।
दक्षिण के अकाल ने 1857 के इंकलाब के बेरहम अंत की तरह भारतीयों को बेचैन कर दिया। अंग्रेजी राज के खिलाफ बगावत के नए अंदाज उभरने लगे। इन मोर्चों में आगे थे जमशेद जी के दोस्त दादाबाई नारोजी और फिरोशा मेहता। जमशेद जी का दबा राष्ट्रवाद अब खुलकर सामने आने लगा। उन्होंने फैसला किया कि उनकी स्वदेशी मिल से निकलने वाला धागा अंतरराष्ट्रीय बाजार के किसी भी ब्रिटिश धागे से बेहतर होगा। सन 1887 में जमशेद जी ने टाटा एंड सन्स की बुनियाद रखी और दो नौजवान पार्टनर्स को भी शामिल किया, बेटा दोराब और पत्नी के भतीजे रतन जी, जिन्हें आरडी कहा जाता था क्योंकि जमशेद जी के छोटे बेटे का नाम भी रतन था। जमशेद जी का दिमाग वक्त से सदा आगे चलता और आइडिया से भरा रहता। उन्होंने जुहू में एक छोटा वेनिस बनाना चाहा जिसमें नहरें भी हों, अल्फोंसो आम को लंदन तक एक्सपोर्ट करना चाहा और मैसूर में सिल्क उद्योग के विकास के लिए जापानी एक्सपर्ट्स बुलाए। कुछ समय के लिए एक शिपिंग कंपनी भी चलाई, टाटा लाइन। इस दौरान टाटा एंड सन्स तरक्की करती रही, साथ ही बंबई शहर भी। इस शहर में बहुत से विदेशी आते थे लेकिन होटल कहलाने लायक सिर्फ एक ही इमारत थी, वॉटसन्स। पर वहां भारतीयों का दाखिला मना था। शायद इसी कारण जमशेद जी ने वॉटसन से ज्यादा बड़ा और कहीं बेहतर होटल बनाने की सोची, एक ऐसा होटल जो यूरोप की बराबरी का हो। उन्होंने अपने पैसे से ताजमहल होटल बनवाया और दुनिया भर का दौरा किया इसमें बेहतरीन सुविधाएं मुहैया कराने के लिए। बॉलरूम के स्टील पिलर्स भी सन 1900 की मशहूर पेरिस एग्जीबिशन से आए थे। इंटीरियर डिजाइन का काम उन्होंने अपने बेटों को सौंपा था लेकिन जमशेद जी को कैम्ब्रिज में दोराब के कमरे की एक नागवार झलक याद थी, जिसे विलियम मॉरिस नाम के एक सोशलिस्ट पेंटर ने लाल और पीले वॉलपेपर से सजाया था। जमशेद जी ने दोराब से कहा, अंग्रेज डिजाइनर्स में बड़ा दिखावा होता है उनके चटक लाल और पीले रंगों से बचना। जिस दिन ताज का उद्घाटन हुआ, सैकड़ों लोग शहर की पहली पब्लिक बिल्डिंग को देखने आए जो एक नए चमत्कार से रोशन थी, जगमगाते बिजली के बल्ब। होटल के अंदर 17 हैरान मेहमानों के स्वागत के लिए दर्जनों नौकर तैयार थे। लेकिन जमशेद जी की जिंदगी का अहम हिस्सा थी वो विशाल हवेली जो उन्होंने एस्प्लेनेड पे बनाई थी। एक अंग्रेज दोस्त के मुताबिक ये एक खूबसूरत महल था जिसकी तारीफ शब्दों में मुमकिन न थी। डाइनिंग रूम में घोड़े की नाल जैसी मेज थी जो सुरंग से नीचे बनी रसोई से जुड़ी थी। हाथों में खाना लिए नौकर मेज के बीचों बीच प्रकट हो जाते। जमशेद जी खाने के बहुत शौकीन थे। एस्प्लेनेड हाउस में वो खानदान के बुजुर्ग थे। रविवार की सुबह वो अपने भतीजों के साथ बिताते जो आइसक्रीम्स का आनंद उठाते हुए उन्हें हफ्ते भर के काम की खबर देते। लेकिन घर की लाइब्रेरी जमशेद जी की मनपसंद जगह थी जहां वो पढ़ाई और सोच में काफी समय गुजारते। वो अपने देश के बारे में बहुत सोचा करते थे। स्वतंत्रता का आंदोलन तेज हो रहा था लेकिन जमशेद जी समझ चुके थे कि बिना आर्थिक स्वतंत्रता देश की आजादी सिर्फ एक ख्वाब रहेगी। इस लाइब्रेरी में थी एक अनमोल किताब, उनकी स्क्रैपबुक। इस स्क्रैपबुक में जमशेद जी की पहली लाइन वो थी जो उन्होंने मैनचेस्टर में महान विचारक टॉमस कार्लाइल के 1867 के भाषण में सुनी थी। जिस देश के पास स्टील है उसके पास सोना है। अगले 17 सालों तक आयरन ओर की खबरें जमशेद जी की स्क्रैपबुक में समाती रहीं। इनमें से कई खबरें अक्सर झूठी साबित होती लेकिन जमशेद जी के सपनों को बिखेर दिया ब्रिटिश सरकार के उन पेचीदा कानूनों ने जिनका मकसद था
प्राइवेट एंटरप्राइज को कुचलना। लॉर्ड लॉरेंस 1857 के इंकलाब के वक्त के गवर्नर जनरल का कहना था, मैं जानता हूँ प्राइवेट एंटरप्राइज क्या है, इसका मतलब है सरकार को लूटना। एस्प्लेनेड हाउस बम्बई का पहला घर था जिसमें बिजली आई, लेकिन जमशेद जी पूरे शहर के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पैदा करना चाहते थे। उनके डैम्स और इलेक्ट्रिक वर्क्स उनके प्यारे शहर बम्बई की बिजली की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। लेकिन उस समय आगे बढ़ने के लिए जमशेद जी को सरकारी इजाजत की जरूरत थी। एक बार फिर रास्ता बंद था। इस दौरान जमशेद जी के तीन महान सपने थे, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी और साइंटिफिक एजुकेशन, देश की तरक्की की तीन बुनियादें। ये सपने बरसों से उड़ने को तैयार थे, लेकिन सरकार ने उनके परों को कतर दिया था। उनका प्योर साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने का सपना दम तोड़ रहा था वायसराय के कानूनी पिंजरे में। कर्जन इस सपने को तोड़ देना चाहता था। उसकी नजर में यह टाटा की हिमाकत थी, रुतबा पाने की एक बेहुदा साजिश। 1899 में हालात अचानक बदल गए। कर्जन के आला अफसरों ने माइनिंग के कानून में ढील पर जोर दिया। इसी पल का तो जमशेद जी को इंतजार था, वो भी करीब 20 साल से। सन 1900 की गर्मियों में वो इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए। बकिंगहम पैलेस के करीब है ब्रिटिश सरकार का मुख्य केंद्र व्हाइट हॉल, और यहीं रॉबर्ट क्लाइव के स्टैच्यू के पीछे है उनका फॉरेन ऑफिस। इसी जगह पर जमशेद जी का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन से मुलाकात का अपॉइंटमेंट था। हैमिल्टन वो इकलौती हस्ती थे जिनका हुक्म वाइसरॉय कभी टाल नहीं सकता था। यहीं इसी इंडिया ऑफिस में कॉर्नवालिस और वॉरेन हेस्टिंग्स की नजरों के सामने जमशेद जी ने हैमिल्टन से अपनी समस्या का समाधान चाहा। हैमिल्टन जमशेद जी की तीनों योजनाओं से काफी प्रभावित हुए, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आया हिंदुस्तान द्वारा खुद स्टील पैदा करने का विचार। जमशेद जी ने हैमिल्टन से कहा कि अगर वो इस उम्र में स्टील प्लांट लगाएं तो जाहिर है कि अपने लिए नहीं बल्कि देश के फायदे के लिए। उन्होंने उन्हें अपनी राह की रुकावटों के बारे में भी बताया। कर्जन के साथ मतभेद की बात सुनकर हैमिल्टन ने जमशेद जी को आश्वासन दिया कि वो वाइसरॉय को लिखेंगे कि सारी योजनाओं में वो उन्हें सहयोग दें, पावर, साइंटिफिक रिसर्च और स्टील। हैमिल्टन ने अपना वादा निभाया। अब जमशेद जी के सामने सिर्फ एक ही बड़ी समस्या थी, और वो थी उनकी उम्र। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी वो हारे नहीं और चल दिए अमेरिका। तरक्की के मौकों से भरा ये एक नया देश था। अपनी गिरती हुई सेहत के बावजूद जमशेद जी ने कुछ बेहद व्यस्त हफ्ते अमेरिका के मुख्य स्टील शहरों के दौरे में गुजारे।
जमशेद जी की अनोखी शख्सियत ने अमरीकी प्रेस की जिज्ञासा जगा दी। एक लेखक ने कहा कि वो एक दिलचस्प इंसान थे, दूसरे के मुताबिक वो ईस्ट इंडीज के जेपी मॉर्गन थे और उनके बिजनेस पार्टनर थे हैदराबाद के निजाम। लेकिन जमशेद जी को जिस आदमी की तलाश थी वो उन्हें पिट्सबर्ग में मिला, जूलियन केनेडी, दुनिया का महानतम मेटलर्जिकल इंजीनियर। केनेडी ने उन्हें बड़े पैमाने पर सर्वे करने की सलाह दी और चार्ल्स पेज पेरन के पास न्यूयॉर्क भेज दिया। पेरन ने कभी सोचा भी न था कि एक ऐसा एशियाई अचानक उनके दफ्तर में आ खड़ा होगा, लेकिन जमशेद जी की शख्सियत में कुछ ऐसी बात थी जिससे वो प्रभावित हुआ। जमशेद जी ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप मेरे सलाहकार इंजीनियर बने। आप जहां कहेंगे मिस्टर केनेडी, वहीं स्टील प्लांट लगाएंगे और खर्चा उठाऊंगा मैं। आप मेरे साथ हिंदुस्तान चलेंगे? बाद में जब पेरन से इस अनोखी और अजीब दरख्वास्त के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, जाहिर है कि मैं हैरान तो था, लेकिन आप नहीं जानते कि टाटा के चेहरे पर कितना नूर था, कितनी सादगी थी। इसीलिए मैंने कहा, जी हाँ, मैं चलूंगा, और मैं गया। लेकिन पेरन से पहले उनका पार्टनर चार्ल्स वेल्ट हिंदुस्तान पहुंचा जनवरी 1903 में। चार्ल्स वेल्ट एक ऐसे एडवेंचर में शामिल हुए जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। ये एडवेंचर इंडियाना जोन्स को ज्यादा पसंद आता। जमशेद जी के फौलादी इरादों से प्रेरित, दोराब टाटा और चार्ल्स वेल्ड आयरन ओर की तलाश में मध्य भारत के घने जंगल छानने लगे। आदिवासी उनको रास्ता दिखाते और जंगली जानवर रास्ता रोकते। कभी वो घोड़ों की सवारी करते, कभी बैलगाड़ियों पर हिचकोले खाते, पर ज्यादातर पैदल ही चलते। आबादी से दूर जंगल में वो चाय भी बनाते तो सोडा वाटर से। काम कठिन था और वक्त कम। लॉर्ड कर्जन की तेज निगाहें उन पर टिकी थी। वो जानना चाहता था कि जो लाइसेंसेस उसने मजबूरन मिस्टर टाटा को दिए थे, आखिर वो उनसे कर क्या रहे हैं। उसने एक अंग्रेज उद्योगपति सर अर्नेस्ट कैसल को जबलपुर में खुदाई करवाने को कहा। जमशेद जी बेपरवाह रहे, वो वहां तलाश करवा चुके थे। महीनों की तलाश और नाकामी के बाद चार्ल्स वेल्ड ने हार कर जाना चाहा, पर जमशेद जी ने उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी। दोराब को लिखे खत में उन्होंने अपने सपनों की स्टील सिटी की झलक दिखाई, एक ऐसा शहर जो अमेरिका के उदास स्टील शहरों से बिल्कुल अलग था। जमशेद जी का दिमाग तो फौलाद की तरह मजबूत था, लेकिन उनका दिल धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। डॉक्टर्स ने उन्हें जर्मनी के एक फैशनेबल स्पा बाद नौहम जाने की सलाह दी। बाद नौहम अपने मिनरल स्प्रिंग्स के पानियों की गुणकारी शक्तियों के लिए मशहूर था। वहां यूरोप के शाही लोग भी आते थे। 1904 की वसंत में जमशेद जी इस स्पा में आए। जमशेद जी के इलाज में थर्मल टब के स्नान भी शामिल थे। पीने के लिए उन्हें सल्फर स्प्रिंग्स का पानी दिया जाता। बाद नौहिम के गुणकारी जल ने जमशेद जी की बीमारी पर कोई असर नहीं किया। उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। उनके आखिरी पलों में आरडी ने खानदान की इज्जत बढ़ाने के लिए शुक्रिया अदा किया। जमशेद जी ने कहा, अगर तुम इसे बढ़ा नहीं सकते तो संभालना जरूर, इसे कम मत होने देना।
उन्हें बेटे दोराब की बहुत याद आती। 18 मई को दोराब और उनकी पत्नी मेहरबाई उनके पास पहुंच गए। कहा जाता है कि अपने बेटे के गाल को प्यार से सहलाते हुए उन्होंने कहा, तुम कहाँ थे, तुम कहाँ थे, जैसे कि वो उन्हीं के इंतजार में थे। और अगली सुबह नींद में ही वो चल बसे। वो 19 मई का दिन था जो बरसी थी उनके पॉलिटिकल हीरो ग्लैडस्टन की। कुछ ही घंटों में यह खबर बंबई पहुंच गई। दुनिया भर से श्रद्धांजलि आने लगी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा, उन्हें न किसी खिताब का अरमान था न किसी ओहदे की चाह, उनका मकसद था तो बस एक, हिंदुस्तान और उसकी बेइंतहा जनता की तरक्की। चौबीस मई को इंग्लैंड के खामोश और खूबसूरत ब्रुकवुड कब्रिस्तान में पारसियों की पवित्र अग्नि जलाई गई। जमशेदजी के पार्थिव शरीर को दफनाते हुए पादरियों ने तो राष्ट्रीय अंतिम संस्कार की प्रार्थनाएं पढ़ी, जो पहली बार ईरान के प्राचीन शहर पर्सेपोलिस में सुनी गई थी। लोगों को उनका चेहरा नूरानी लगता था, बाइबल से निकले किसी पैगंबर की तरह, जिनका कहा अक्सर सच होता था। जिस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का सपना उन्होंने जिंदगी भर देखा, वो आखिर उनकी मौत के 7 साल बाद बेंगलोर में खुला। इसमें बहुत से अहम वैज्ञानिकों के अलावा एक नोबेल लॉरियट का नाम भी शामिल है। आधुनिक भारत की तरक्की में भी इसका योगदान है। इसी इंस्टीट्यूट से पढ़कर हर साल 2000 नौजवान रिसर्चर्स उनका सपना साकार करने निकलते हैं। जमशेदजी नहीं रहे, लेकिन उनके बेटे दोराब और चार्ल्स वेल्ड ने उनका एक और सपना पूरा किया। आज के झारखंड प्रदेश में खोरखाई और सुवर्णरेखा, इन दो नदियों के संगम पर साक्ची गांव के पास वेल्ड को आखिरकार स्टील प्लांट लगाने की सही जगह मिल ही गई। बरसों की तलाश सफल हुई। जल्द ही स्टील प्लांट का निर्माण कार्य शुरू हो गया। जब रेलवे कमिश्नर सर फ्रेडरिक अपकॉट ने इस निर्माण की खबर सुनी तो कहा कि अगर यह कामयाब हुआ तो वो इस कारखाने में बनी स्टील का एक एक टुकड़ा हजम कर लेंगे। 1912 में इस फैक्ट्री ने स्टील की पहली सिल्ली बनाई। 2 साल बाद पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। साक्षी कारखानों ने दिन रात काम करके अंग्रेजी सेना के पूर्वी मोर्चों के लिए सैकड़ों मील लंबी रेल की पटरियां बनाई। दोराब टाटा, जो अब सर दोराब थे, ने कहा, अगर सर फ्रेडरिक अपकॉट ने अपना वादा निभाया है तो अब तक उन्हें कुछ बदहजमी तो हो चुकी होगी। स्टील प्लांट में पिघलता कच्चा लोहा भट्टियों से निकलकर सोने की नदियों की तरह बह रहा था, जैसा कि जमशेद जी ने कार्लाइल से सुना था, जिस देश के पास स्टील है उसके पास सोना है। 1919 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया इन सीढ़ियों पर, साक्षी के डायरेक्टर्स बंगलो की सीढ़ियां। युद्ध में टाटा से मिली मदद का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने जमशेद जी की बहुत तारीफ की। इस जगह में बहुत बदलाव आएगा और फिर ये साक्षी के नाम से नहीं बल्कि आने वाली 6 सदियों तक
उस हस्ती के नाम से जानी जाएगी जिसने इसे बसाया, स्वर्गीय श्री जमशेद जी टाटा। आज के बाद ये जगह जमशेदपुर कहलाएगी। मृत्यु से 2 साल पहले जमशेद जी ने लंदन में एक प्लेजर स्टीमर किराए पर लिया और उसे टेम्स के रास्ते किंगस्टन ले गए। जमशेद जी ने स्टीमर पर एक शानदार पार्टी दी, अपने भतीजे और पार्टनर आरडी की शादी की। दिलचस्प बात कि खाने से पहले ज़ोरास्ट्रियंस की पवित्र किताब अवस्था से कुछ आयतें और प्रार्थनाएं पढ़ी गई। इससे पहले पश्चिम में कभी इतने ज़ोरास्ट्रियन एक जगह इकट्ठे नहीं हुए थे। आरडी 46 साल के थे जब उनकी पहली पत्नी गुजरी। उन दिनों उनके ताल्लुकात दौरा से अच्छे नहीं थे और वो मोतियों का व्यापार करने पेरिस चले गए। अपने फ्रेंच टीचर के घर में उन्हें एक अनमोल मोती नजर आया, टीचर की खूबसूरत बेटी सुजैन, जो सिर्फ 20 साल की थी। उन दोनों की शादी पर दोराब ने सख्त एतराज किया, लेकिन जमशेद जी आजाद ख्याल थे, मान गए और शादी में शामिल भी हुए। आरडी ने सुजैन को एक नया नाम दिया, सुनी, यानी सोना, उसके सुनहरे बालों की तरह। वो पेरिस में बस गए, जो सन 1900 में भी एक प्राचीन शहर माना जाता था, लेकिन अपनी शान और रंगीनियों से यहां हर वक्त बाहर सी छाई रहती थी। यहां के कैफेज में आने वाले वक्त के मशहूर पेंटर्स पिकासो और मटीस सिर्फ सस्ती शराब खरीद पाते, लेकिन अपने फन के सुरूर में मदहोश रहते। ओपेरा हाउस के पास ही वो घर है जहां 1904 में आरडी और उनकी पत्नी सुनी रहने लगे। आरडी टहलते हुए पास के कैफे डाला पे में आकर कॉफी पीते और अखबार पढ़ते। जमशेद जी मई में गुजरे। उसी साल जुलाई में सुनी और आरडी का बेटा पैदा हुआ। नाम रखा गया जहांगीर। माँ बाप और दोस्त उसे जे बुलाते, लेकिन दुनिया ने उन्हें नाम दिया जेआरडी। जे सिर्फ 10 साल के थे जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ और पेरिस पर जर्मन बम गिरने लगे। उन दिनों हवाई हमलों के सारे नहीं होते थे, सड़कों पर खड़खड़ाते फायर इंजनों और उनकी टनटनाती घंटियों की आवाजें होती थी। ज्यादातर लोग तहखानों में दुबके रहते, लेकिन ये छोटा सा बहादुर छत पर चढ़कर दहशत बरसाते जेपलिन को आसमान में मंडराते हुए देखता। जे को जंग खत्म हो जाने का काफी अफसोस हुआ, उनका फाइटर पायलट बनने का सपना अधूरा ही रह गया। जे के शौकों में संगीत भी शामिल था, उन्हें पियानो बजाना और सड़क पर घूमते वायलिन बजाते संगीतकारों को सुनना पसंद था। जे के सबसे पसंदीदा कंपोजर थे शोपेन। पेरिस की ढलती शामों में संगीत की ये मधुर धुनें पिघलती चांदनी की तरह महसूस होती। उन्हें पेरिस की जिंदगी का अंदाज पसंद था। तब वो ये नहीं जानते थे कि एक दिन उन्हें यहीं दफनाया जाएगा। ।1922 में आरडी ने अपने परिवार को बंबई लाने का इरादा किया। सुनी ज़ोरास्ट्रियन धर्म अपना चुकी थी और अपने पति के देश में
अपने भविष्य का सपना देख रही थी, लेकिन वो बीमार पड़ गई। टीबी उन दिनों एक लाइलाज बीमारी थी। वो अपने ही देश में चल बसी, उतनी ही जवान, उतनी ही खूबसूरत, सुनहरे बालों वाली। जे का बचपन ज्यादातर फ्रांस में गुजरा, हालांकि उनकी जबान फ्रेंच थी और वो फ्रांस के नागरिक भी थे, लेकिन स्कूल में वो इजिप्शियन कहलाए। जब आरडी ने जे को पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा तो अंग्रेजों ने उन्हें फ्रेंची कहा। बाद में आरडी ने उन्हें कैम्ब्रिज भेजने का सोचा, लेकिन फ्रेंच नागरिक होने के नाते उन्हें एक साल फौज में बिताना जरूरी था। जे ने यह सब किया भी, लेकिन तब तक आरडी ने बंबई लौटने का पक्का फैसला कर लिया था। जे दोस्तों से अक्सर कहा करते कि काश वो कैम्ब्रिज जा पाते। उनके सपनों में आते वहां के मशहूर कॉलेज, हसीन नदियां और बहती कश्तियों में खूबसूरत लड़कियां, मानो पेड़ों से गिरे हुए फूल। जे 1925 में बंबई लौटे। जॉर्ज विटेट, जिन्होंने साल भर पहले गेटवे ऑफ इंडिया बनाया था, शहर के कमर्शियल सेंटर में टाटास का नया हेडक्वार्टर बॉम्बे हाउस भी बना चुके थे। आने के कुछ ही वक्त बाद जे बिना तनख्वाह वहां अप्रेंटिस लग गए। आरडी जे को यहां बॉम्बे हाउस ले आए स्टील कंपनी के डायरेक्टर इंचार्ज एक्स आईसीएस अधिकारी जॉन पीटरसन की निगरानी में काम करने। पीटरसन ने उन्हें पेपर वर्क करना सिखाया और फिर भेज दिया जमशेदपुर बाहरी कारोबार समझने। वहां जे ने देखा कि हाल में ही स्टील प्लांट एक ऐसे गहरे संकट से निकला था कि कर्मचारियों की तनख्वाह भी नहीं दे पाया। कंपनी को बचाने के लिए सदोरब ने अपनी सारी दौलत दांव पर लगा दी। उसमें दुनिया का छठवां बड़ा हीरा द जुबिली डायमंड भी शामिल था। यह हीरा सदोरब की पत्नी लेडी मेहरबाई का था। अपने परिवार को बंबई लाने से पहले आरडी ने फ्रांस के चैनल कोस्ट पर बोलोनिया के नजदीक आर्दलो में एक बीच हाउस खरीदा था। लुई ब्लेरियो इंग्लिश चैनल को सबसे पहले पार करने वाले फ्रेंच पायलट टाटास के पड़ोसी थे। उनका मशहूर जहाज अक्सर आर्दलो पर उतरता। नौजवान जे हमेशा उसका इंतजार करते। उड़ान का मजा और आसमान की आजादी उनके अरमान बन गए। '27 में चार्ल्स लिंडबर्ग अटलांटिक पार करने वाले पहले पायलट बने। 23 साल के जे एक बच्चे की तरह उस अमरीकी पायलट के दीवाने थे। अपनी स्क्रैप बुक में उन्होंने लिंडबर्ग के जहाज की तस्वीर बना रखी थी। 2 साल बाद जे भारत में फ्लाइंग लाइसेंस पाने वाले पहले पायलट बने। जमीन पर भी वो आसमान की तेजी चाहते, गरजते इंजनों के साथ रफ्तार का एहसास। उनकी मनपसंद स्पोर्ट्स कार बंबई की सड़कों पर तेजी से दौड़ती और ट्रैफिक पुलिस उन्हें घूरती रह जाती। जब पुलिस ने जे पर एक एक्सीडेंट का मामला दर्ज किया तो वो मशहूर पारसी लॉयर जैक विकजी से मिले, जिनकी भतीजी थेल्मा बहुत चुलबुली और सुंदर थी। जल्दी ही उनकी मंगनी हो गई। थेल्मा भी खुश थी कि उसकी शादी एक ऐसे नौजवान से हो रही थी जो एक पायलट था। जे की जिंदगी इत्तेफाकों से भरी हुई थी। साल भर पहले उनकी मुलाकात नेविल विंसेंट नाम के एक प्रोफेशनल पायलट से हुई थी। विंसेंट जानते थे कि इंपीरियल एयरवेज, पुरानी ब्रिटिश एयरवेज, लंदन और कराची के बीच एक डाक सेवा शुरू कर रही थी। उन्होंने सलाह दी कि टाटास भी एक ऐसी ही सेवा कराची, बंबई और मद्रास के बीच शुरू करें। टाटा एयरमेल सर्विसेज शुरू हुई 15 अक्टूबर 1932 को, जब जे ने कराची से अपने पुस्मौत में उड़ान भरी और अकेले ही बंबई के इस एयरफील्ड की तरफ रवाना हुए। रास्ते में
अहमदाबाद रनवे पर एक बैलगाड़ी से 4 गैलन बर्मर्शियल पेट्रोल बड़ी सावधानी से उनके छोटे से जहाज में डाला गया। जे के बंबई पहुंचने के 20 मिनट के अंदर आगे जाने वाली डाक एक दूसरे पोस्टमार्क में डाली गई और विंसेंट उसे मद्रास ले गए। ये बड़ी बहादुरी के कारनामे थे। नेविगेशन की सुविधाएं थी नहीं, न जमीन पर न आसमान में। वो तो बस हौसले और हिम्मत के सहारे इस मिट्टी भरे मैदान से आसमान में उड़ान भरा करते थे, जिसे इज्जत देते हुए जे ने नाम दिया एयर स्ट्रिप। टाटा एयरमेल बड़ी योग्य सेवा थी। डाक पहुंचाने में एक बार भी देर नहीं हुई। बेहद काम के बावजूद कोई फ्लाइट रद्द नहीं की गई। यहां तक कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन को यह कहना पड़ा कि इंपीरियल एयरवेज के स्टाफ को सीखना चाहिए कि टाटास ये करते कैसे हैं। टाटा एयरलाइंस के शुरू होने से साल भर पहले सरदोरा की पत्नी लेडी मेहरबाई लुकीमिया से चल बसी। अगले ही साल सरदोरा भी परलोक सिधार गए। वो अपनी सारी जायदाद, यहां तक कि अपनी मोतियों जड़ी टाइपिन भी अपने नाम के एक ट्रस्ट को सौंप गए। इस ट्रस्ट ने बंबई में भारत का पहला कैंसर हॉस्पिटल बनाया। जे उसके ट्रस्टी बने और 50 साल से भी ज्यादा उसकी रहनुमाई की। कई साल पहले 1918 में सर दोराब के छोटे भाई सर रतन टाटा कम उम्र में ही गुजर गए थे। वो कला में दिलचस्पी रखने वाले एक दानी इंसान थे। उनकी अनमोल पश्चिमी कलाकृतियों और चाइनीज एंटीक्स को बुनियाद मानकर बंबई का प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम बनाया गया। सर रतन के दान धर्म के काम असीम थे। एक तरफ रंगभेद के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का संघर्ष, तो दूसरी तरफ गरीबी और उसकी रोकथाम की पढ़ाई के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की आर्थिक मदद। सबसे पहले इसका लाभ पाया क्लेमेंट एटली ने, जो इत्तेफाक से भारत की आजादी के वक्त इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। 1938 में सर दोराब की मृत्यु के 6 साल बाद जे सर नारोजी सकलतवाला की जगह टाटा सन्स के चेयरमैन बने 34 साल की उम्र में। उनके दफ्तर के नीचे एक दूसरे नौजवान का दफ्तर था, नवल टाटा, जो उम्र में उनके बराबर थे पर उनसे 4 साल पहले परलोक सिधार गए। नवल का बचपन बड़ी बेचारगी में गुजरा, क्योंकि कम उम्र में उनके पिता चल बसे थे। जब वो 13 साल के हुए, उनकी दूर की रिश्तेदार सर रतन की पत्नी लेडी नवाजबाई टाटा ने उन्हें गोद ले लिया। बचपन से गरीबी का दर्द सह चुके नवल के दिल में कर्मचारियों के लिए हमदर्दी थी। इसी एहसास ने उनके मिशन को जन्म दिया, जो था मालिक और मजदूर के बीच की उलझने मिटाना। उन्होंने ये काम सिर्फ टाटा के लिए नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किया। जिनीवा के ILO में उन्होंने अपनी नई लेबर पॉलिसीज को पेश किया और 38 बार गवर्निंग काउंसिल में चुने जाने का रिकॉर्ड बनाया। भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी से भी उनका नाम जुड़ा था। उनकी प्रेसिडेंटशिप में इंडियन हॉकी टीम ने लगातार 3 बार ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता। कंपनी के अंदर भी नवल का एक अहम किरदार रहा। वो वक्त था लाइसेंस राज का, और मैनेजमेंट की एक बड़ी जिम्मेदारी थी सरकार से संपर्क रखना। जे को ऐसे कामों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन नवल बिल्कुल सही साबित हुए। उनके मिलनसार स्वभाव ने अफसरों और मंत्रियों पर एक सा असर किया। उनके लिए जे नहीं, नवल ही टाटास की पहचान थे। सन 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। जे को चेयरमैन बने 1 साल ही हुआ था। युद्ध की वजह से केम्ब्रिज से आए एक भारतीय वैज्ञानिक होमी भाभा बंबई में फंस गए। भाभा के आइडिया से प्रभावित होकर जे ने उनकी रिसर्च को आर्थिक मदद दी, जिसका नतीजा हुआ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो भारत में एटॉमिक एनर्जी की बुनियाद साबित हुआ। जंग के खत्म होते ही हिंदुस्तान के हालात ने अनोखी करवट ली। Thank you.
15 अगस्त 1947 को आजादी की खुशी के साथ हिंदुस्तान के नसीब में खून भरा बंटवारा भी लिख दिया गया। बंटवारे के साथ आए आंसुओं, नफरत और दहशत के दरमियान जे की कंपनी टाटा एयरलाइंस रिफ्यूजियों को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच लाती ले जाती रही। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री जे के आभारी थे। नेहरू का ख्याल था कि भारत की अपनी राष्ट्रीय विमान सेवा होनी चाहिए। बंटवारे से फैली अशांति के खत्म होते ही जे ने सरकार को अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा की योजना पेश की। नेहरू फौरन मान गए। एयर इंडिया इंटरनेशनल की शुरुआत हुई आज के जुहू एयरपोर्ट से 8 जून 1948 को। जे का पहला शौक था जहाज उड़ाना। एक माहिर पायलट की नजर से उन्होंने एयर इंडिया का मैनेजमेंट संभाला। वो हर काम पर नजर रखते थे, चाहे वो इन फ्लाइट मेन्यूज हों या एयरक्राफ्ट का इंटीरियर डिजाइन या फिर एयर होस्टेसेस का यूनिफॉर्म। उन्होंने एक बार कहा कि एयरलाइंस में उनकी दिलचस्पी को एयर होस्टेसेस में दिलचस्पी कहना ज्यादा गलत ना होगा। उनकी देखरेख में एयर इंडिया एक बेहतरीन एयरलाइन बन गई। द लिटिल महाराजा एयर इंडिया का शरारती प्रतीक दुनिया में मशहूर हो गया। एयर इंडिया के एक नियमित यात्री थे जवाहरलाल नेहरू। यह है तीन मूर्ति हाउस, नेहरू जी का घर जब वो प्रधानमंत्री थे। जे यहां अक्सर आते थे। इन दोनों की अच्छी दोस्ती उनके पिताओं के दोस्ती से शुरू हुई थी। बेटों की यह दोस्ती काफी गहरी थी और 1964 में नेहरू जी के देहांत तक कायम रही। दोनों की मंजिल एक ही थी पर रास्ते अलग। जे का मुक्त व्यापार का ख्याल नेहरू जी की जानी बूझी खामोशी से टकरा जाता। वो अपनी खिड़की के बाहर झांकते और जे को बुलाकर अपने पालतू पैंडास दिखाते। उन्होंने जे से कहा, मेरे सामने मुनाफा शब्द मत कहना, बहुत ही बुरा शब्द है। 1953 में नेहरू ने एयर इंडिया को नेशनलाइज कर दिया। हालांकि जे अब भी उसके चेयरमैन थे, लेकिन उन्हें बहुत तकलीफ हुई, मानो सरकार ने उनकी इकलौती संतान को छीन लिया हो। जे ने कभी नेहरू या उनकी बेटी इंदिरा गांधी से टक्कर नहीं ली, लेकिन एक दूसरे प्रधानमंत्री के साथ उनकी जमकर बहस हुई। ये थे मोरारजी देसाई, जो 1977 में कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री बन गए थे। प्रधानमंत्री बनने के फौरन बाद मोरारजी देसाई ने एयर इंडिया के चेयरमैन का ओहदा जे से छीन लिया। जे इस कंपनी के फाउंडर थे, 1932 से इसके चेयरमैन रहे। इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर की एयरलाइन बनाया। इसके बावजूद उन्हें अपने निकाले जाने की खबर सुबह के अखबारों से मिली। सारी दुनिया ने इस खबर को हैरत से सुना। कर्मचारियों के लिए यह एक झटका था और जे के लिए बहुत गहरा सदमा। सुना है कि उस दिन वो रोए भी। जे की जिंदगी राजाओं के साथ गुजरी, पर आम आदमी से भी वो जुड़े रहे। उन्हें लोगों का दिल जीतना आता था। ऑफिस के आसपास सड़क के बच्चे भी उनके दोस्त थे। उन्होंने कई बच्चों को स्कूल भेजा, कपड़े और खिलौने भी दिए। जे के लिए सबसे बड़ी चीज थी इंसान की इज्जत, और इसे गिराने वाली गरीबी से लड़ना जरूरी था। अपनी कंपनियों को हथियार बनाकर उन्होंने गरीबी के खिलाफ जंग लड़ी। जमशेदजी की वेलफेयर स्कीम्स को फैक्ट्री से निकालकर
वो आसपास के गांव तक ले आए। जे की 52 साल की चेयरमैनशिप के दौरान टाटाज ने बेहिसाब तरक्की की। ट्रक्स और लोकोमोटिव्स, केमिकल्स और चाय, होटल और सॉफ्टवेयर के विकास में भी टाटाज ने पैर जमाए। लेकिन तरक्की के इस सफर में जमशेद जी के बनाए उसूलों का सौदा कभी नहीं किया गया। जे ने कहा था, अगर हमारी नीयत भी उन दूसरी कंपनियों की तरह होती जो हर हाल में सिर्फ अपना फायदा सोचती हैं, तो आज हम अपने वर्तमान आकार से दुगने होते, लेकिन हमें ऐसा कभी मंजूर न था। जे के वक्त टाटा सन्स के मुनाफे का 80% हिस्सा टाटा चैरिटेबल ट्रस्ट में जाता था। इन ट्रस्ट ने कई अहम संस्थान शुरू किए, अलग अलग क्षेत्रों में अपनी तरह के पहले संस्थान, जिंदगी और समझ का स्तर बढ़ाने के लिए। जे कहा करते थे, जो चीज लोगों से आती है वो कई गुना बढ़कर लोगों के पास ही जानी चाहिए। अक्टूबर 1982 के दिन जे कराची से एक लेपर्ड मौत के कॉकपिट में सवार हुए। वो 78 साल के थे और 3 हफ्ते पहले ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। लेकिन ये एयर इंडिया की 50वीं सालगिरह थी और वो अपनी पहली उड़ान को दोहराने का फैसला कर चुके थे। बंबई में अहम हस्तियां उनका इंतजार कर रही थी। वो नीचे नीचे उड़ते रहे पर उतरे नहीं। सही वक्त पर पूरे 4 बजे उन्होंने जमीन को छुआ। जे वक्त के बड़े पाबंद थे। अगर वो जल्दी उतर जाते तो वक्त से 5 मिनट पहले पहुंच गए होते। 6 साल बाद 1988 में उन्हें एविएशन में विशिष्ट सेवाओं के लिए डैनियल गुगनहाइम मेडल से सम्मानित किया गया। उनसे पहले यह मेडल चार्ल्स लिंडबर्ग को भी मिला था, जो जे की जवानी के हीरो थे। लेकिन वो इस तरह की चीजों से शर्मा जाया करते थे। 1992 में जब उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया तो उनका पहला जुमला कुछ ऐसा था, ओ माय गॉड, व्हाई मी। 1993 के आखिरी महीनों में